खरगोन के ऐतिहासिक श्री नवग्रह मेले में शनिवार से दुकान आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई। 10 मार्च से 10 अप्रैल तक लगने वाले मेले में करीब 409 दुकानें लगाई जाना है। नगरपालिका ने दुकान आवंटन में कई सालों से हो रहे गड़बड़ झालों को देखते हुए समान नीति लागू कर दी है। अब पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दुकानदारों को दुकानें दी जाएगी। पहले ही दिन करीब 200 आवेदन बांटे गए। हालांकि व्यापारियों की नाराजगी भी देखी जा रही है। हरीश गोस्वामी ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से मेले नहीं लग पाए, अब लग रहे हैं तो नगर पालिका ने टैक्स बढ़ा दिया। दुकान को लेने के लिए करीब 32% की टैक्स वृद्धि की गई है, जो कोरोना काल में व्यापारियों के लिए कमर तोड़ने के समान है। नगर पालिका ने बताया गर्मी का समय होने से छाया पानी आदि की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। उल्लेखनीय है कि निमाड़ का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है, जिससे मेले में लाखों की भीड़ जुटने के कारण दुकानदार भी खूब मुनाफा कमाते हैं। इतना ही नहीं, बिचौलिए फ्रंट में दुकानें लेकर बाहरी दुकानदारों को बढ़े हुए रेट में दुकानों का आवंटन कर देते हैं, जिससे बाहरी दुकानदारों को महंगे दामों पर दुकानें खरीदनी पड़ती है। ऐसी शिकायत लंबे समय से चली आ रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आवेदन दे चुका है, फोटो आएगा भैया पुराने व्यापारी। अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? ये आवेदन भर के देंगे, आवेदन शुल्क की राशि नगर पालिका में कटेगी कंप्यूटर से, उसके बाद में भूमि भी कट जाएगी। आवेदन क्या ऑनलाइन कर दिया गया? क्या सुविधा रहेगी? अब पानी की व्यवस्था वगैरह रहेगी? सब क्या? सब व्यवस्था करेंगे। गर्मी को देखते हुए क्या सुविधा रहेगी इसकी? पानी की व्यवस्था करेंगे। क्या नाम है? महेश वर्मा, प्रभारी राज्य सदस्य। मेले भूमि पूजन के समय पर सांसद मोदी द्वारा भंग किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि पूर्वानुसार मेला लगाया जाए, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं की जाए। फिर भी प्रशासन द्वारा इसके जो दर थी पिछले वर्ष भी 20% वृद्धि कर दी गई थी, इस वर्ष भी 33% वृद्धि कर गई है, जो व्यापारियों को अनुचित लग रही है। इसमें प्रशासन ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसकी वृद्धि में लेके कम करना चाहिए। कितना शुल्क बढ़ाया इस बार? भूमि वृद्धि वापस लेना चाहिए। अभी 33% की वृद्धि काल है, अभी 33% की वृद्धि करी है इस वर्ष में। और जो नियम के अनुसार बताया था कि जो पुराने व्यापारी को प्राथमिकता दी जाएगी, उस व्यापारी उस अंतर्गत पुराने व्यापारी ने अपने आवेदन ले लिए और वो अपने कल्चर रिसीव करवा देंगे। गर्मी को देख के क्या व्यवस्था मांगी? गर्मी को देखते ये करेंगे कि पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, सुरक्षा की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, और व्यापारी अपनी ओर से बीमे की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि व्यापारी अपने व्यवसाय के पूरे बीमे की प्लानिंग करेगा। क्या नाम है आपका? हरीश गोस्वामी, व्यापारी संघ अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।